हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत में खाने वाली साबूदाने की खिचड़ी, और बहुत ही यम्मी बनती है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि साबूदाने की खिचड़ी में एक मिस्टेक हो जाती है। आप सबको पता ही होगा क्या मिस्टेक होती है, कि हमारी साबूदाने की खिचड़ी स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी सी बनती है, खिला खिला सा दाना नहीं बनता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगी कि साबूदाने की खिचड़ी को एकदम खिली खिली कैसे बनाएं और स्वादी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने एक कप साबूदाने को एक कप पानी में 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। साबूदाना की खिचड़ी को हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना। अगर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे तो ये बिल्कुल भी खिली खिली सी नहीं बनेगी, बिल्कुल मतलब स्टिकी बनेगी। और इसे 5 घंटे भिगोकर हमें ढक कर रखना है, और जब हम 5 घंटे बाद जब साबूदाने को हम देखेंगे तो बिल्कुल इस तरह से दाने दाने हो जाएंगे, दाने फूल जाएंगे। अगर हम उसे दबा कर देखेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब साबूदाने तैयार है खिचड़ी बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साबूदाने की खिचड़ी बनाना। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि खिचड़ी के लिए और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है कड़ी पत्ता, नमक, रेड चिली पाउडर, सूखी लाल मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च, मूंगफली दाना और आलू। और आप चाहे तो खिचड़ी घी में बनाएं या फिर तेल में बनाएं, तो मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इस खिचड़ी को घी में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी बनेगी। बस चौक में मैं थोड़ा सा 1 इंच अदरक को क्रश करके डाल दूँगी, उससे क्या होगा कि फ्लेवर बहुत अच्छा है। तो अब चौक लगाते हैं। तो चौक लगाने के लिए यहाँ पे मैंने घी लिया है। तो बस आप कंटिन्यू इस रेसिपी को देखिए। ओके फ्रेंड्स, साबूदाने की खिचड़ी रेडी है, बहुत ही यमी बनी है, ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट ऑन बिलो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिर मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप घर पर रहिए,
अच्छे अच्छे खाने का मजे लीजिए और मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे हैप्पी।